अगर आप भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आने वाले के बारे में आपको पता चल जाए अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कंसेप्चुअल वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट मेगा मॉक टेस्ट एंड फ्री पी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगर आपको ये कोर्स के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में भी कैस रिक्वेस्ट कर सकते हैं नोट्स या आप हमारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर ट्वेंटी इन योर कोर्स एंड दिस दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने बैलेंस शीट देख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पी देख लिया उसके शेड्यूल देख लिया उसका फॉर्मेट हमने देख लिया राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस की बैलेंस शीट का एक फर्दर पार्ट होता है दैट इज नोट्स टू अकाउंट एंड उसके अंदर हमें कुछ डिस्कलोजर देने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो so, जो सबसे पहला डिस्क्लोजर होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी नोट्स जो अकाउंट स्टार्ट होते हैं दैट डिस्क्लोजर इज अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड वही डिस्क्लोजर के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में हम क्या करते हैं हम यूजर को इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग सम कॉमन पॉलिसीज़ दैट आर बींग यूज ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाए ठीक है तो so, डिस्क्लोजर्स में क्या क्या देना जरूरी है इसके बारे में हम देख लेते हैं तो so, सबसे पहले पर्पज क्या है डिस्कलोजर देने का तो पर्पज इज क्लियर दैट वी want टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसके उसको अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करने के लिए कुछ कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसी हम एक्सप्लेन कर देते हैं राइट right? अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी हम दिखाते कौन सी रिगार्डिंग द की areas ऑफ ऑपरेशन जो मेन एरिया है जो सिग्निफिकेंस रखते हैं उनके बारे में दिखाना जरूरी है एंड ये स्टार्ट कब हुआ था तो ये स्टार्ट हुआ था थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइनटी वन की बैलेंस शीट से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे बैंक्स के लिए मैंडेटरी करा गया दैट यू हैव टू डिस्कलोज योर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड उसके बाद से ये रेगुलर बेसिस पे ही बैंक को डिस्क्लोज करना रहता है ठीक है तो तो है क्या देना है। तो कुछ aspects हम देख लेते हैं उसके सबसे पहले जनरल तो जनरली जो हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो वो किस बेसिस पे होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होती है राइट right? तो इसमें इस हम ये बताएंगे कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस को ही फॉलो कर रहे हैं जनरली एंड मेजरली एंड उसके अलावा कुछ अगर स्टेचुटरी प्रोविजन है कोई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कहता है या आरबीआई की गाइडलाइंस या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कुछ प्रैक्टिस फॉलो करने को हमें कहती है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें देती है तो उसको भी हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले जनरल सेक्शन में हम यही बताते हैं कि हम ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं देन वी हैव ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉरन एक्सचेंज तो फिर हम फॉरन एक्सचेंज के बारे में बता देते हैं फॉरन एक्सचेंज में जो हमारी एसेट्स एसेट्सिटी है वो तो हम किस पे दिखा रहे हैं हैंटरी एसेट जो है, तो हम हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चल रही है ठीक है तो इसकी एग्जाम्पल हो जाती है नॉन मोनेटरी एसेट की कि अगर आपने एक बार कोई मशीनरी परचेज करी ठीक है मशीनरी आपने फॉरेन कंट्री से मंगवाई तो आप वो डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी में आपने पे करा होगा लेट्स से यूएसडी में में आपने आपने पे किया उसको फिर आईएनआर कन्वर्ट कर दिया तो मशीनरी आप, आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी अगर मैंने वन थाउजेंड यूएसडी की मंगाई थी एंड से एट्टी पर यूएसडी रेट है तो मेरे को पता लग गया कि एट्टी थाउजेंड की मेरी मशीनरी रिकॉर्ड होगी बुक्स में नाउ मशीनरी क्या है मशीनरी एक नॉन मॉनेटरी एसेट है बिकॉज इससे मुझे नियर फ्यूचर में मुझे कैश फ्लो नहीं रिसीव होने वाला राइट right? तो वो क्या है नॉर्मल एट्रेस जिससे कैश फ्लो नहीं रिसीव होने वाला तो मशीनरी अगर मैंने एटी थाउजेंड पे एक बार ही वैल्यू करी है तो ये उसके बाद मेरी इसी वैल्यूएशन पे ये चलती रहेगी बट अगर ये मशीनरी को पे करने वाले क्रेडिटर्स की बात करें तो ये क्रेडिटर्स क्या है ये मोनेटरी लाइबिलिटी है ये मोनेटरी आइटम है ठीक है और ये मोनेटरी आइटम को उन्होंने क्या बोला कि आपको ईयर एंड पे हर बारी क्या करना है वैल्यू करना है एट द रेट प्रिवेयरिंग एट क्लोज ऑफ द ईयर ताकि आपको ईयर एंड पे पता चल जाए कि ये लाइबिलिटी की आज के दिन में आपको इतने पैसे देने पड़ सकते हैं बिकॉज हम ये दिखा रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च कोजिशन दिखाना चाहते हैं

उसी डेट पे ट्रांजेक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे अगर फॉरन एक्सचेंज से कन्वर्ट करेंगे इंडियन ब्रांचेस के अमाउंट ठीक है देन पेंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखाते हैं ठीक है ईयर एंड पे ताकि हमें पता लग जाए कि फ्यूचर में हमें पैसे देने पड़ सकते हैं या हम पैसे रिसीव होने वाले हैं ठीक है तो ये हो गया देन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक डिस्कलोजर दैट जो वैल्यू करे गए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटी वो किस पे वैल्यू किए गए हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू और कॉस्ट दोनों में जो भी लोअर है उस पर वैल्यू की है एंड नेक्स्ट वी हैव दैट एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द शेयर कैपिटल हैल बेस किसका सॉरी जो सब्सिडरी कंपनीज है जिस सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनीज में बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उन कंपनीज में जिसमें बैंक का ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा होल्डिंग है तो वहां पे उसकी अकाउंटिंग किस पे होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होगी नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यूज पे वैल्यू कर दो या फेयर मार्केट वैल्यू पे ले आओ बट अगर आपकी क्या है सब्सिडरी या एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो उसी वैल्यू पे कैरी करी जाएगी और उसके अलावा बाकी सारी इन्वेस्टमेंट भी क्या है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे ही आप वैल्यू करते हो उनको देन नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एडवांसेस अब एडवांसेस के बारे में हम क्या डिस्क्लोजर देंगे दैट वी हैव मेड प्रोविजन प्रोविजन टू टू फॉर डाउटफुल डेट अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑफ ऑडिटर हमने हमारे आरबीआई के सारे गाइडलाइंस फॉलो कर लिए हैं राइट इसमें भी दो चीजें हो जाती है कि जो आइडेंटिफाइड एडवांसिस हैं जो सेपरेटली जिनका इवेल्युएट कर सकते हैं हम रिकवरेबिलिटी लाइक की कितनी अमाउंट रिकवर हो सकती है तो वहां पर तो जो हम वैल्यू करते हैं दैट वी डू ऑन अडिक रिव्यू बेसिस ठीक है वहां पर हम पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं अकाउंट्स को एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसका प्रोविजन बनाते हैं जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है एंड वो भी एडवांस के अमाउंट को हम कंसिडर करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द एडवास पोर्शन गारंटी पोर्शन जो अगर कुछ गारंटी होती है डिपोज डी आई सी जी से या इसी जी सी से कुछ इस तरह की बॉडी से अगर कुछ गारंटी होती है उसको माइनस करने के बाद अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है सेपरेटली वही हम उसपे क्या करते हैं बनाते हैं प्रोविजन ये हमने प्रोविजन वाले चैप्टर में कहा काफी डिटेल में डिस्कस करा था राइट तो वो डिस्क्लोजर देना है देन बाकी एडवांसेस जनरल एडवांसेस में हमने क्या करा था कि एक स्लैब रेट बनाए हुए थे कि स्टैंडर्ड एसिड पे इतना है सब स्टैंडर्ड पे इतना तो वही वो क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल एसिड बेसिस के ऊपर वहां पे आप कर रहे हो एंड किसकी गाइडलाइन के बेसिस पे आरबीआई की गाइडलाइन के बेसिस पे हम कर रहे हैं फिर हमारे पास आया था कि प्रोविजन जो एडवांसेस पे हमने बनाई है उसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करते हैं तो वी नो दिस दैट एडवांसेस में से हम उसको लेस करके दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर बट जस्ट इन केस हमारे पास क्या हो जाता है एक्सेस आ जाता है एक्सेस प्रोविजन हमारे पास हो जाती है एडवांसेस के अमाउंट से ज्यादा प्रोविजन हो जाती है फिर हम क्या करते हैं उसको अदर लाइबिलिटीज में डिस्क्लोज करते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें कि जो अकाउंटिंग में हम कर रहे हैं जो चीजें हमने फॉलो करी है वो हम जस्ट उसको डिस्कलोजर अभी दे रहे हैं ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है उसको पता लग जाए ठीक है देन वी हैव प्रोविजन बनाते हैं किसपे ग्रोस बेसिस पे बनाते हैं उसमें से कुछ बाकी कुछ माइनस नहीं करते हम बट टैक्स रिलीफ जो है किस साल में राइट ऑफ होता है जिस साल में अकाउंटिंग करेगी ना कि जिस साल में एक्चुअली रिली, टैक्स रिलीफ रिसीव हुआ है तो ये पॉइंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो यही डिस्कलोजर हमने देना रिगार्डिंग द एडवांसेज नेक्स्ट वी हैव फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट में भी हम क्या बताएंगे कि सबसे पहले हम फिक्स एसेट को किस पे वैल्यू करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट देन अगर कोई रीवैल्यू करते हैं हम फिक्स एसेट को कोई को हम रीवैल्यू uh, करते हैं तो उसका रीवैल्यूएशन गेन हम कहां पे डालते हैं टू द कैपिटल रिजर्व बिकॉज दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो इसको अनरियलाइज्ड को हम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनाते इसको सीधा कैपिटल रिजर्व में देखते हैं राइट right? फिर डेप्रिसिएशन देप, का मेथड बता देते हैं कि डेप्रिसिएशन किस मेथड पे लगा रहे हैं हम बुक्स में एंड अगर कोई रिवैल्यू हुई है एसेट ठीक है अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा लगेगी तो वो डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उतना पार्ट का रिजर्व क्या कर रहे हैं हम कैपिटल रिजर्व से उसको जनरल रिजर्व या पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं ये एक पॉलिसी होती है जहां पे क्या होता है कि मान लो कि आपने एक लाख रुपए से मशीन को क्या किया अपवर्ड रीवेल्यू किया किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो आपको गेन हुआ है तो आपने इसको पे किया में, right? अब ये में हमने ट्रांसफर कर दिया ये हमेशा वहां पे ही नहीं पड़ा रहेगा हम नॉर्मली तो ये कर सकते हैं कि हम जब उस मशीनरी को सेल करेंगे तब हम उसको कैपिटल रिजर्व से निकाल के कहां ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में या क्या पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं हम की जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है मान लो इस मशीन के लाइफ दस साल अभी बची थी तो एक लाख के ऊपर जो गेन के ऊपर हर साल मेरी कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है दस हजार राइट जो एडिशनल एप्रिसिएशन रिवैल्युएशन की वजह से आ रही है उतनी उतनी अमाउंट करके मैं क्या करती रहूँ कैपिटल रिजर्व से उसको पी में ट्रांसफर करती रहू तो ये पॉलिसी हम बताएंगे कि हम ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है देन वी हैव स्टाफ बेनिफिट तो स्टाफ बेनिफिट के बारे में हमने जिस भी बेसिस पे प्रोविजन बनाई है अप्रूवल बेसिस पे कैजुअल बेसिस पे एंड ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे कि ग्रेचुटी वगैरह के लिए हमने फंड क्रिएट करें हैं तो ग्रेचुटी वगैरह का जो भी फंड की पूरी होती है मूवमेंट वो हम पूरा दिखाते हैं ठीक है थीके? तो वो डिस्कलोजर देंगे देन नेट प्रॉफिट में हम क्या बताते हैं कि नेट प्रॉफिट के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम क्या दिखाते हैं कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स किसके हिसाब से बनाया हमने स्ट्रेचुटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जितना एक्चुअली हमारा पेबल बनता है, है ना तो नेट प्रॉफिट इस क्लोज इन प्रॉफिट हम ये बताएंगे कि नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से क्या क्या माइनस करने के बाद हमने किया है लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेस माइनस कर दिया हमने जो भी डाउटफुल एडवांसेस थे वो माइनस कर दे अगर किसी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी कम हो रही थी तो उसका लॉस हम माइनस कर चुके हैं ठीक है देन कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जो भी फंडली ट्रांसफर होने वाला था वो सब करने के बाद हम नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं एंड कंटिजेंसी फंड जो है वो हम कहाँ पे शो, है? के अंदर शो करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके अकाउंट तो 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 में कुछ रिक्वायरमेंट है बैंक की जो आपको एड करनी पड़ेगी उसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं ठीक है तो एडिशनल जो तो डिस्कलोजर बैंक को तो देने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट के अंदर वो देख लेते हैं कि आरबीआई ने क्या करा है की मैंडेटरी कर दिया बैंक्स के लिए कुछ डिस्क्लोजर देना जिससे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले किसके बारे में कि हमारी जो बैंक की कैपिटल है वो कितनी एडिक्वेट है कैपिटल एडिक्वेसी मींस कि आपका डेट टू कैपिटल का रेशियो कितना है ठीक है वो आ जाता है रिस्क एक्सपोजर आपने कहां -कहां पे आपको रिस्क आ रहा है किसका किस किस जगह से आपको रिस्क का एक्सपोजर है वो सारे डिस्क्लोजर प्रॉपरली देने होते हैं ये काफी बड़ा नोट एक बैलेंस शीट में बनता है अगर आप किसी भी बैंक की बैलेंस शीट उठा के स्टडी करोगे ठीक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो जो रिस्क आप कह रहे हो कि हमें इस, इस रिस्क का एक्सपोजर है उस रिस्क को आपने असेस किया किस तरह से आप उसको असेस करते हो क्या आप प्रोसेस फॉलो करते हो देन उसके बाद आपको आप उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहे हो ये भी आप बताओ एंड कुछ आपके बिजनेस के पैरामीटर्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मालूम होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन को सेस करने के लिए वो सारे डिस्क्लोजर क्या कर दिए मैंडेटरी कर दिए देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर ही होता है तो वो भी बैंक को कम्प्लाई करना होता है एंड देन वी हैव की जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एक्सपेंडेड डिस्कलोजर है काफी डिटेल में आपको एक्सपोजर डिस्लोजर देने हैं वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करने हैं ठीक है देन वी हैव समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड नोट्स टू अकाउंट उनको शेड्यूल सेवेंटीन और एटीन के अंदर देना होता है बैंक को ठीक है तो ये हमारा हो गया कि बैंक को डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट क्या है नोट्स टू अकाउंट में एड कर ली ठीक है देन वी हैव समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बैंक को जो हमने अभी डिस्कस करा कि शेड्यूल सेवेंटीन एंड शेड्यूल एटीन के अंदर अपना समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देनी है एंड नोट्स टू अकाउंट का शेड्यूल कौन सा रहेगा शेड्यूल एटीन रहेगा ठीक है तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देख लेते हैं उसमें वो क्या क्या बता रहे हैं दैट यू हैव टू इंक्लूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कौन कौन सी फॉरन एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट investment की इन्वेस्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हो वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो वो सब हो गया जो हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था इसी पिछले चैप्टर में देन वी हैव एडवांसेस और प्रोविजन के आप क्या अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो फिक्सड एसेंट में क्या अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन में सो so, हर चीज़ के बारे में आपको बताना है देन वी हैव लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है तो रेगुलेटरी कैपिटल आप कितनी मेंटेन कर रहे हो कि आप कैपिटल uh, की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है राइट right? तो वो आपको दिखाने की हमें मिनिमम हमने फॉलो करा हुआ है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो तो ये स्पेशली बैंक्स के लिए डिस्क्लोज़र है ठीक है कि आप लिक्विड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बताओ एन एस एफ आर रेशो मेच्योरिटी पैटर्न तो ये सारी लिस्ट उन्होंने दे दी हमें यहाँ पे जिस जिस चीज़ के बारे में हमें डिस्क्लोजर देने हैं एक लिस्ट उन्होंने हमें दे दी एसेट क्वालिटी के बारे में डिस्क्लोजर देना कि NPS है कि एन कितने हैं और ओवरसीज एसेट कितने हैं ओवरसीज एनपीए पी ए कितने हमारा रेजोल्यूशन प्लान क्या है कि अगर हमारा कुछ अकाउंट एन हो जाता है हम उससे रिकवरी कैसे करने वाले हैं ठीक है देन या फ्रॉड अकाउंट्स उसके बारे में डिस्कलोजर देन एक्सपोजर रिस्क जहां जहां से रिस्क आ रहा है वो सारे रिस्क के बारे में आपको यहाँ पे अपना डिटेल में बताना है डिपॉजिट्स किस कहाँ कहाँ पे अपने डिपॉजिट्स हुए हैं ऑफ डिपॉजिट्स कि आपके डिपॉजिट्स कितने हैं एडवांसेस कितने हैं एक्सपोजर कितना है वो सब बताना है कि कितनी कितनी अमाउंट में है कैसे कैसे है डेरिवेटिव्स में जो जो इन्वेस्टमेंट हुई है डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्क्लोज़र देने हैं क्या क्या आपने इन्वेस्ट करा है? कितना कितना रिस्क आपको वहाँ पे है अगर कोई बैंक सिक्योरिटाइजेशन के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसके बारे में बताना है देन ऑफ बैलेंस शीट एस स्पेशल पर्पज व्हीकल स्पॉन्सर्ड तो सिक्योरिटाइजेशन जो भी होता है ना ये भी एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल ही होता है कि स्पेशली किसी पर्टिकुलर चीज को इनहांस करने के लिए किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप करते हो तो अगर कुछ ऐसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट करा है दैट इज ऑफ बैलेंस शीट ठीक है तो उसके बारे में आप बताओ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में आपने कितनी अमाउंट ट्रांसफर करी है कम्पलेन्ट्स आपके अगेंस्ट जो आई हैं पेनल्टीज अगर आरबीआई ने लगाई है वो भी आप बताओ तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि आरबीआई की पेनल्टीज बैंक को डिसक्लोज करनी होती है रेमोड्रेशन अब ये रेमोन्डेशन कौन सी आ गई कि आप अपने डायरेक्टर्स को कितनी रेमोन्डेशन दे रहे हो आप अपनी रिलेटेड पार्टीज को कितनी रेमोड्रेशन दे रहे हो वो सार, सारा कुछ आप बताओगे इसके अलावा क्या डिस्कलोजर देना होता है तो देन वी हैव बिजनेस रेशियोज ठीक है देन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रोविजन कंटिजेंसी तो ये सारे डिस्कलोजर देने हैं इसको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कलोजर लग रहे हैं तो दैट यू शुड रिमेम्बर देन वी है बेजल थ्री आरबीआई के नॉर्म्स हैं तो वहां पे उन्होंने एक सर्कुलर निकाला उसके अंदर वो स्पेशली बताते हैं कि आपको क्या क्या, क्या डिस्क्लोज़र देने हैं तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या, क्या गाइडलाइंस आरबीआई ने दिए हैं देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि पहला हमें जनरली क्या बता रहे हैं वो कि मार्केट में हमने क्या इंश्योर करना है इसके तीन पिलर हैं बेजल थ्री के ठीक है तभी इसका नाम मेजर थ्री है पिलर वन टू एंड थ्री ठीक है तो पिलर वन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या बताना है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो ठीक है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो ठीक है फिर पिलर टू के अंदर आप क्या बता रहे हो द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस आप किस तरह से रिव्यू करवाते हो अपना काम को अपने सारी पॉलिसीज को अपने कंट्रोल्स को देन मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा कि जो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं पूरी मार्केट में एक डिसिप्लिन है कि अगर एक बैंक के एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है तो उसके पास इतनी मिनिमम कैपिटल है वो एक पर्टिकुलर रिव्यू प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाया गया ठीक है देन उन्होंने क्या बोला कि एम क्या है कि मार्केट डिसिप्लिन लाने से हम प्रमोट क्या करना चाहते हैं हम क्यों चाहते हैं कि हमारे सारे बैंक एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस को फॉलो करें तो उसका रीजन क्या है कि जब भी मार्केट हम, पार्टिसिपेंट हम जैसे लोग जब बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बैंक के शेयर्स खरीदने जा रहे हैं बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे राइट तो वहां पे हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाए जहां पे हमें पता लग जाए कि ओके okay, कि इतनी अमाउंट जो है कैपिटल है लाइक like, कैपिटल की बैंक ने फॉलो करी है प्रोसीजर ठीक है रिस्क एक्सपोजर बैंक को इतना इतना बैंक, इस तरह से बैंक अपना रिस्क असेस करता है देन कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है बैंक की तो वो सारी चीजें पता लग जाए इसलिए मार्केट डिसिप्लिन लाया गया रिगार्डिंग द डिस्लोजर रिक्वायरमेंट ताकि सारे बैंक क्या करें सेम तरह के ही डिस्कलोजर दें बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर आप गाइडलाइन नहीं लाओगे तो उससे क्या होगा कि मेरा मन करेगा मैं कुछ चीजें बता दूंगी जहां पे तो मैं मैं सही कर रही हूँ जहां पे मेरे को पता है कि इन्वेस्टर्स खुश होने वाले हैं इस चीज को देख के आई विल हाईलाइट दैट आई विल मेक अ नोट अबाउट दैट आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट राइट बट अगर कुछ चीज ऐसी है दैट कुड गो अगेंस्ट मी राइट देन वाई वुड आई इंक्लूड ठीक है तो उस चीज को लाने के लिए क्या करा गया एक लीगल रिक्वायरमेंट डाली गई है दैट यू हैव टू

तो पिलर वन के अंदर उन्होंने क्या क्या बताना है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उनके ऊपर है वो बतानी है exposure, सारी चीजें आगे की जब आप रिस्क के बारे में बताते हो तो आप बताते हो कि कितना एक्सपोजर है देन आप उस चीज को कैसे फेस कर रहे हो तो सभी बैंक कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे तभी रिलायबिलिटी बढ़ पाएगी उसकी है ना मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया था मटेरियलिटी क्या होता है कि किसी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है राइट right? वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है मटेरियल कितनी है वैल्यू ठीक है तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्क्लोजर्स में काफी ज्यादा फॉलो किया जा सकता है बिकॉज अगर कोई लॉस हुआ है कोई फ्रॉड हुआ है बट वो बहुत ही छोटी अमाउंट का है ठीक है तो व्हाई शुड यू मेक अ पॉइंट अबाउट दैट तो वो चीज आप अगर सिर्फ वही अमाउंट इंक्लूड करनी है जो कि हमारे यूजर्स के डिसीजन को ऑल्टर कर सकती है ठीक है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मेरा डिसीजन ऑल्टर कर सकती है दैट इंफॉर्मेशन इज मटीरियल एंड हमारा पर्पज क्या है डिस्कलोजर देने का कि हर मटीरियल इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से बताई जाए ठीक है बैंक्स को क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मटीरियल इंफॉर्मेशन जो है वो ओमिट ना हो रही हो हम कुछ गलत ना बता दें उसमें कि कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन हम हो सकता है जान के बैंक ना बताए क्योंकि उसको पता है कि उससे क्या होने वाला है यूजर्स का डिसीजन ऑल्टर हो सकता है या हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन बताए लेकिन उसमें थोड़ा सा गलत बता दे ठीक है तो बैंक को इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है दैट मटीरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी शुड नॉट बी ओमिटेड एंड शुड बी करेक्ट राइट देन उसके बाद असेस कैसे करी जाती है बिकॉज हाउ आर वी गोइंग टू नो दैट दिस इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्टर डिसीजन तो ये क्वालिटेटिवली आप डिटर्मिन करते हो मीन्स जजमेंट के बेसिस पे आप डिटर्मिन करते हो राइट right? कि वेदर यूजर्स वुड कंसिडर द इन्फॉर्मेशन मटीरियल इन दर यूज डिसीजन मेकिंग यूजर टेस्ट लेकर आप देखते हो कि क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल uh, रहने वाली है या नहीं ठीक है उन्होंने ने बोला कि कुछ स्पेसिफिकली थ्रेश आपके लिए नहीं रखा गया है मटेरियालिटी के लिए बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डिफाइन राइट एक अगर एक छोटी कंपनी कंपनी अगर दस लाख रुपया तो उसके लिए मटीरियालिटी अलग लेवल पे होगी राइट बट एक अगर बैंक है जिसकी थाउजेंड करोड में टर्न है तो उसके लिए मटीरियालिटी इज डिफरेंट तो मटेरियालिटी का आप थ्रेश ऐसे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हो सो so, uh, बट उन्होंने क्या बोला कि कुछ स्पेसिफिक दी है बट कुछ सर्टेन लिमिटेड लिमिटेडर्स ही हैं ठीक है बट कुछ डिस्कलोजर्स कहे हैं दैट आपको इतने डिस्कलोजर तो देने ही पड़ेंगे ताकि हमारी कुछ रिपोर्टिंग जो वो वो है वो ज्यादा बढ़िया हो सकते हैं एंड वो डिस्कलोजर कहाँ पे बताए गए हैं पिलर थ्री में जो पिलर थ्री है विजिटल थ्री का वहां पे बताए गए हैं ठीक है देन बैंक शुड है फॉर्मल डिस्कलोजर पॉलिसी अब आप जो डिस्कलोजर देने वाले हो वो आप क्या डिस्कलोजर देते हो तो, इसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिकॉज अकाउंटिंग इज एंड रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी आप जो शुरू से कर रहे हो यू हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो दैट ठीक है तो इसके लिए बैंक को तो क्या करना चाहिए अपनी एक फॉर्मल डिस्कलोजर पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि अप्रूव किसके द्वारा हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करे कि करेगी दिस दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कलोज इन द बैलेंस शीट एंड उसके ऊपर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह और सारे डिस्कलोजर प्रोसेस के बारे में हमें क्या क्या डिस्कलोजर देने हैं वो सारे उसके अंदर लिखे होने चाहिए पॉलिसी के अंदर ठीक है देन डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं कि ये तो कुछ इतना डेट तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको अब स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्लोजर्स तो पिल्लो पिलर थ्री ठीक है पिलर थ्री ऑफ कैपिटल एडिकेसी फ्रेमवर्क अप्लाइज एट टॉप कंसोलिडेटेड लेवल ऑफ बैंकिंग ग्रुप्स ठीक है जो पिलर वन और टू हमने देखे थे दे, पिलर वन और टू तो नॉर्मली सभी सभी बैंक्स को फॉलो करने हैं ठीक है बट जो पिलर थ्री के डिस्कलोजर्स हैं वो उन्होंने क्या बोला कि कैपिटल कंसोलिडेटेड लेवल ऑफ कंसोलिडेट कर रहे हैं टॉप में कंसोलिडेटेड बैलेंस में उसको ये सारी चीजें फॉलो करनी है जिसको हम पेरेंट बैंक भी कहते हैं बाकी सारी है? तो क्या होगी उसकी सब्सिडरी एसोसिएट्स होगी राइट तो पेरेंट बैंक को क्या क्या करना पड़ेगा कुछ रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर अलाउ अप्लाई होगी ठीक है वो क्या कह रहे हैं कि उनको कुछ इतने डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है अबाउट अबाउट द इंडिविजुअल इन द ग्रुप बिकॉज देखो एक बैंक का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है उसके अंदर कितनी सब्सिडरीज होंगी राइट right? तो अगर पेरेंट बैंक जो है वो हर एक सब्सिडी हर एक सब्सिडरी के बारे में इंफॉर्मेशन डिस, डिस्कलोज करने लग गया तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत ही लाइक like, बहुत ज्यादा ही बड़ी बन जाएगी राइट right? कितने ही डिस्कलोजर का पेज बन जाएगा तो उस, उसके लिए वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल बैंक जो है जो सब्सिडरीज है वो अपनी इन्फॉर्मेशन खुद डिस्क्लोज करेंगी बिलर थ्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेरेंट बैंक को उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है बट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि स्पेशली उनको देनी पड़ेगी जैसे कि कैपिटल रेशो तो आपको बतानी पड़ेगी अपनी सिग्निफिकेंट सब्सिडरीज की जो सिग्निफिकेंट सब्सिडरीज है उनकी कैपिटल रेशो बताओ बट उसके अलावा सब इन्फॉर्मेशन आपको क्या है डिस्कलोज करने की जरूरत नहीं है पेरेंट बैंक को ठीक है देन उन्होंने बोला कि जो पिलर 3 के डिस्क्लोजर हैं वो स्टैंड अलोन में इंडिविजुअल बैंक अपने खुद बताएंगे पेरेंट बैंक क्या करेगा मेजर डिस्क्लोजर देगा पॉलिसीज के ओवरऑल बैंक को जो अफेक्ट करते हैं ठीक है देन अब पिलर 3 में डिस्क्लोजर देना क्या है तो उन्होंने बोला कि कुछ दिस, जो डिस्क्लोजर्स हैं वो आपको सेमी एनुअली देना है साल में दो बारी आपको देने हैं बट कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो क्वार्टरली देने और क्वार्टरली कौन से देने हैं कैपिटल एडिक्वेसी के रिगार्डिंग एंड क्रेडिट रिस्क के रिगार्डिंग जो डिस्कलोजर है वो हर क्वार्टर में जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो यू हैव टू गिव गिवोजर बट उसके अलावा जो बताए गए आपको किसके अंदर इन द पिलर थ्री डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट वहां पर आप क्या कर सकते हो सिर्फ सेमी अनुली बना सकते हो कोई इश्यू नहीं है बट उसके अलावा कैपिटल एडिकुएसी एंड कैपिटल क्रेडिट रिस्क आपको क्वार्टरली बताना पड़ेगा बिकॉज दैट इज मोर सिग्निफिकेंट राइट देन वी हैव की डिस्क्लोजर जो है बैंक डिस्कलोजर्स को इंक्लूड करना इन द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं की मैंने डिस्कलोजर बना दिया और जब यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने जा रही हूँ उसमें मैंने इंक्लूड ही नहीं करे हमारा पर्पस क्या है यूजर्स को ही तक पहुंचाना ठीक है तो उसको पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालो एंड बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी उसका एक्सेस होना चाहिए टू द यूजर्स ठीक है देन पिलर थ्री डिस्कलोजर मस्ट बी मेड कॉन्करेंटली विद पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे आप रिजल्ट दे रहे हो जैसे आप अपने बैलेंस शीट एंड पी दे रहे हो उसके साथ साथ आप हमें ये डिस्कलोजर भी दोगे इट्स अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट ठीक है तो इसी के साथ हमारी डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म हो गई है तो हमने क्या क्या, क्या रिक्वायरमेंट देखी सबसे पहले तो जनरलोजर रिक्वायरमेंट देखी कि बैलेंस शीट के अलग अलग पार्ट के में हम क्या क्या लिख देते हैं देन हमने मेन जो देखा वो हमने देखा बेजल थ्री की डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट जिसमें तीन पिल्ल के अंदर हम बता रहे हैं डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट को पिल्लर वन एंड टू आर ऑफ है, था, uh, का था, and, and क्या है टॉप लेवल पे क्या क्या हैं या कैपिटल एडुकेसी के बारे में क्या क्या देने है? तो ये सारे विजल्ट थ्री के अंदर रिक्वायरमेंट जो भी डिस्क्लोजर के वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया एंड उसकी इंपॉर्टेंस भी हमने डिस्कस कर ली कि मेन आप अगर देखोगे तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट यू शुड नॉट ओमिट एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड मटीरियल Material, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करके आपको क्या देना डिस्कलोजर देने हैं ठीक है ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट uh, एंड uh, कुछ डिस्कलोजर के हमने एग्जाम्पल देखे हैं यहाँ पे सो विद दिस चैप्टर नंबर ट्वेंटी इज कम्प्लीट एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड इट वॉज वेरी क्विक चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो एन एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय